नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले आज की अमावस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बस अभी अभी स्नान कर सारे घर को धोकर सारी शुद्धि कर आपके सामने प्रकट हो गई हूँ। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अमावस जिस दिन पितृपक्ष खत्म होता है, आज शाम के समय घर के जितने भी मेंबर हों उतने ही लोगों को दक्षिण की तरफ मुख कर प्रणाम करना चाहिए अपने पितरों को, और चार मुखी दिया जलाना चाहिए। ठीक है, तो ये उपाय आप जरूर कर लें। उसके बाद स्नान जरूर करें और अपने घर का आंगन धोएं, हो सके तो एक छोटी सी रंगोली जरूर बनाएं। आज की कहानी राम जी की और हनुमान जी की। प्यार हो तो ऐसा हो, भाव हो तो ऐसा हो, प्यार हो तो जिद हो, भक्ति हो तो अधिकार हो। आज ये अधिकार की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। जब राम जी वापस अयोध्या आ गए, सब चीजें सेट हो गई और राम जी राजा बन गए। जब राम जी राजा बन चुके थे तो सारे भाइयों ने आपस में चुटकी लेते हुए सोचा कि हनुमान हमेशा राम जी से चिपका रहता है और राम भैया को भी देखो, हर वक्त हनुमान जी की तारीफ करते रहते हैं। हो गया जो हो गया 14 वर्ष में, अब बारी शत्रुघ्न और लक्ष्मण और भरत की थी। ये लोग खुद ही सेवा करना चाहते थे और हनुमान जी को रास्ते से निकाल देना चाहते थे। तो तीनों भाइयों ने सोचा कि इस बार हम काम खुद ही बांट लेते हैं कि राम जी की कौन कौन सी क्या क्या सेवा करेगा। अगले दिन राज दरबार लगा तो सबने अपने अपने कामों की सूची बता दी कि राम भैया के भोजन के समय मैं रहूंगा, उनके स्नान के वक्त मैं रहूंगा, उनके साथ जब वो राज दरबार में बैठेंगे तो मैं रहूंगा, ये काम मैं लूंगा। हनुमान जी ऐसे ऐसे कर सब कुछ सुनते रहे, लेकिन हनुमान जी के हिस्से में कोई भी काम नहीं आया, क्योंकि रात्रि सीता जी के नाम जो आ गई। अब इधर हनुमान जी बेहद परेशान, लेकिन वो समझ गए कि ये काम हो ना हो ये सारे भाइयों ने मिलकर किया है। तो बड़े प्यार से और अचानक से वो बोले कि अरे, मेरे हिस्से में तो राम जी की कोई सेवा ही नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी सेवा खुद ही ले लेता हूँ। राम जी जब भी सोएंगे तो मैं, जब भी उबासी लेंगे तो मैं चुटकी बजाऊंगा। हम कहते हैं ना, हम कोई उबासी लेता तो हम ऐसे चुटकी ऐसे करते हैं ना। तो उन्होंने कहा जब भी राम जी उबासी लेंगे तो मैं चुटकी बजाऊंगा। सब हंसने लग गए कि ये कोई काम थोड़ी होता है, ले लो। लेकिन ये सब भूल गए कि राम जी तो उबासी कभी भी ले सकते हैं, इसका मतलब हनुमान जी को राम के साथ पल पल रहना पड़ेगा। और यहाँ पर सारे तीनों के तीनों भाई फिर से हनुमान जी से हार गए। लेकिन उन्होंने इसमें सीता जी को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब बारी आई रात्रि की। अब हनुमान जी राम जी के पास खड़े हुए थे कि वो सोने जा रहे हैं, तो सीता ने कहा अरे ये क्या बात हुई, राम जी अब सोने जा रहे हैं, तुम जाओ मेरे कमरे, मेरे कक्ष से बाहर जाओ। तो हनुमान जी ने बोला मैं कैसे जाऊं, अगर राम जी ने उबासी ली तो चुटकी कौन बजाएगा। तो सीता जी बोली मुझे ये सब नहीं पता, तुम यहाँ से जाओ। सीता जी ने गुस्से में हनुमान जी को भगा दिया। अब माँ का आदेश था तो जाना ही था। हनुमान जी जाकर राम जी के दरबार की, मतलब उनके बेडरूम की, उनके कमरे की छत पर जाकर बैठ गए और राम राम जपने लगे। इधर राम जी को नींद ही नहीं आ रही थी। बड़ी कोशिश, बड़े प्रयत्न करने के बाद सीता कभी उनके बालों में हाथ फेरती, कभी उन्हें कहानी सुनाती, और उनका मुंह टेढ़ा हो गया। और जैसे वो उबासी लेने लगे मुंह टेढ़ा हो गया, ये देख कर सीता जी घबरा गई और भाग कर गई और वैद्यों को और माताओं को और भाइयों को बुला लाई। लाख कोशिश के बाद भी उनका मुख सीधा नहीं हो रहा था। राम जी को नींद भी नहीं आ रही थी, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने में वैद्य ने देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, लेकिन कहीं पर भी हनुमान जी नजर नहीं आ रहे थे। वैद्य समझ गया, उसने बोला हनुमान को बुलाओ, इसका इलाज हनुमान जी के पास है। हनुमान जी आए तो अकड़ में चुटकी बजाने के लिए मना कर दिया। बोले अब क्या हुआ, मुझे तो माँ ने कमरे से बाहर निकाला था। बोले नहीं, तुम आओ, भैया को तुम्हारी ज़रूरत है, और चुटकी बजाओ जिससे भैया का मुख सही हो जाए, क्योंकि उबासी लेते वक्त भैया का मुख खुला ही रह गया और अब वो बंद नहीं हो रहा। सारे भाइयों को सब बात समझ में आ गई और हनुमान जी से माफ़ी मांगी और बोले हमें माफ़ कर दो पवन पुत्र, आप ही के हैं राम जी, आप ही दुनिया में इनके सबसे बड़े भक्त हो, आप ही इनकी सेवा करो। हनुमान जी ने एक चुटकी बजाई और राम जी का चेहरा बिल्कुल सही हो गया। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चले। जय माता दी।